जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। तो दोस्तों, बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रहा है जो कि एक वीडियो में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक महीना करीब गायब रहा, यानी कि आपको पता होगा किस लिए गायब था। तो एक भी वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि जिस माहौल में मैं था वहाँ पर बहुत कुछ चेंज हुआ मेरे लाइफ में। तो मैं भी इसलिए थोड़ा सा अपसेट था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्योंकि आपको पता है पर डेली दो वीडियो आता था मेरे चैनल पर, और आज एक भी वीडियो नहीं आ पा रहा है, एक महीना हो गया। तो मैं भी अब मैं आ चुका हूँ मेरे अपने जगह पे, तो वहाँ से आपको डेली रूटीन पे वीडियो दे पाऊँगा। तो चलिए, आज का एक छोटा सा टॉपिक है। बहुत सारे यूज़र कमेंट किए थे, मैंने पूछा था कम्युनिटी पे कि भाई एंड्रॉयड 11 कब तक MI A3 के अंदर आएगा, और यहाँ पे मंथली सिक्योरिटी अपडेट भी आया नहीं अभी तक। तो काफ़ी दिन हो गया, मैं MI A3 फ़ोन लेके तो गया था साथ में गाँव, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वो स्विच ऑफ होके बैग में पड़ा रहा, क्योंकि उसको निकाल के वीडियो नहीं बना पाया। खैर कोई बात नहीं, बहुत कुछ आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। बहुत कुछ टॉपिक मेरे दिमाग में लेके आया हूँ, और बात करते हैं कि मंथली अपडेट क्यों नहीं आया अभी तक MI A3 में। तो दोस्तों, हर महीने कुछ ना कुछ इशू आता है, जो कि आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। बहुत सारे यूज़र क्या करता है, जैसे कोई अपडेट आता है, अपडेट MI A3 में अपडेट आ गया, अपडेट करने के बाद तुरंत वो फ़ोन को कॉस्ट्यूम रूम में ले जाता है। कॉस्ट्यूम रूम में अब मैं भी सोच रहा हूँ कि कॉस्ट्यूम रूम में अब आने वाले टाइम में कम वीडियो आए, क्योंकि बहुत सारे यूजर परेशानी क्रिएट होता है जब वो सोचता है कि यार मुझे मंथली अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि कॉस्ट्यूम रूम में आपको मंथली अपडेट नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली यूज करना पड़ेगा। अभी आपको पता है हाल ही में, यानी कि पिछले September 8 को फाइनली रिलीज हो चुका है एंड्रॉयड 11, जो कि गूगल डिवाइस के लिए। बाकी बारी बारी हर जैसे कॉस्ट्यूम कंपनियां, यानी कि जैसे आप जिस कंपनी का खुद का OS है उसके साथ अटैच्ड होकर एंड्रॉयड 11 आएगा सबको, और बारी बारी में। बट यहां पर बात आता है कि MI A3 को क्या टाइमली मिल पाएगा, और मे भी टाइमली मिल जाए, बट ये पिछला हिस्ट्री में देख के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि एंड्रॉयड 1 डिवाइस में काफ़ी यूज किया हूँ, तो मुझे पता है इसका क्या सीन चल रहा है। अगर इस सितंबर में रिलीज हो गया है, हमें स्टेबल अपडेट मिलते मिलते जनवरी तक खींच लेगा। हो सकता है कुछ मिरेकल कि हमें दिसंबर एंड में देखने को मिले, बट जनवरी में ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। उससे पहले आप हर वीडियो पे कमेंट करोगे, मुझे पता है, क्योंकि भाई आपके पास डिवाइस है। हम उस डिवाइस को कवर करते हैं, हम उस डिवाइस के ऊपर सारे डिटेल्स वीडियो बनाते हैं, और मे बी MI A3 के ऊपर काफ़ी वीडियो बन चुका है। यहाँ पर बात आता है कि टाइमली अपडेट नहीं देते हैं ये लोग, और सुनने में आया कि MI A4 जो है आएगा MI UI में। एक चीज़ ध्यान रखो, MI A1 सीरीज जो है ये फेमस था एंड्रॉयड 1 डिवाइस के लिए। अब अगर उसके अंदर MI UI 12 लेके आएगा Xiaomi, वही के अंदर होके आता है जो कि Xiaomi का ये डिवाइस MI A4 में भी इतना मज़ा नहीं आएगा जितना एंड्रॉयड 1 डिवाइस होके आता, क्योंकि ये कोई फालतू के एप्लीकेशन वगैरह नहीं मिलता। बहुत सारे यूजर जो है क्लीन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मेरे पास अगर पैसा नहीं है गूगल पिक्सल फ़ोन परचेज करने के लिए, तो मैं MI A3 तो मेरे पास सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 1 डिवाइस जो है मिलता जुलता स्टॉक एंड्रॉयड जैसा देखने को मिलेगा, जब प्योर एंड्रॉयड। तो यहाँ पे ये सीन क्रिएट हो रहा है कि बहुत सारे यूजर परेशान हो रहे हैं कि यार हम लोग कॉस्ट्यूम में हैं, स्टॉक में कैसे जाएं। कुछ ऐसे यूजर है जो कि सिर्फ फोन ओपन करते ही जाके अपडेट सेक्शन में चेक करते हैं इसमें टाइमली अपडेट क्यों नहीं आया। देखो, कभी कोई मेजर अपडेट आता है ना, वो हो जाए फोन में, वो काफ़ी है। मंथली सिक्योरिटी पैच तो आता रहता है, जाता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे छोटा मोटा जो बग्स रहता है अपडेट में, या यूजर को इशू आता है, यूजर कंप्लेन करता है, उस बिहाफ पे उन्होंने वार करके ये पुशअप करता है। ये नहीं है कि जो प्रॉब्लम आपके फोन में चल रहा है कि इस अगला अपडेट में ये सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं है। ये अपडेट जो आएगा, अभी भी मैं आपको नोट करा दूंगा, कम से कम 10-12 चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर अभी भी इम्प्लीमेंट होना है MI A3 में, बट अभी तक वो अपडेट नहीं आया। तो मैं भी इस चीज़ को साइड कर दिया, मुझे पता है कि ये इसके अंदर आने वाला नहीं है। अगर मुझे वो सारे चीज़ चाहिए तो मैं किसी और कॉस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जाऊँगा, जैसे नॉर्मल कोई दूसरे कंपनी में जाऊँगा तो उसके साथ एंड्रॉयड 1 ऑप्शन देगा, साथ ही साथ कुछ और भी फीचर्स सेंसर वगैरह देखने को मिलेगा।
यहाँ पे मैं बता दिया कि एंड्रॉयड 11 जो है अपडेट में भी आपको जनवरी तक स्टेबल देखने को मिल जाएगा, और जल्दबाजी ना करो क्योंकि इसके अंदर बीटा टेस्टिंग हुआ नहीं है। और ठीक इसी तरह एंड्रॉयड 10 जैसा आया था ना अपने मन मर्जी से 5 बार 6 बार, इसी तरह ही होने वाला है, क्योंकि जब इसके अंदर कोई पहले से टेस्टिंग हो जाता है तो हम उसके अंदर बड़े आसानी से यूज कर पाते हैं कोई भी चीज। जब टेस्टिंग नहीं करके कंपनी ऐसे ही धक्का मार के भेजता है तो यूजर्स को परेशानी क्रिएट होता है। तो मुझे मैं आपको बोल दूं कहीं आप ध्यान ना रखो, आप अपने डाटा जो है सेव करके रखना कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या पता कभी भी अपडेट आया तो आप अपडेट करो तो वो सारे फाइल वगैरह उड़ जाए, है ना। बहुत सारा सीन होने वाला है आने वाले टाइम में एंड्रॉयड 11 से पहले, तो आप सतर्क रहना। इसलिए अपडेट जो है वो टाइम से आ जाता है, आए नहीं मे बी 20 तारीख तक वेट कर सकते हैं, 20 से 25 के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। और कोई ज़्यादा फालतू के डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ, आने वाले टाइम में मैं रूटीन में वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कमेंट करके बताना कौन सी सब्जेक्ट पे वीडियो लाए तो बहुत आज के टाइम में चलेगा, क्योंकि एक महीना टोटल मैं यूट्यूब से गायब था। मैं भी एक आधा किसी का वीडियो देखा होगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, गाँव में इतना स्ट्रांग नेटवर्क भी नहीं है, बस आप समझ गए होंगे। और बस यही था आज के वीडियो, मिलेंगे नेवड़े साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।